अंजलि गज किए, वहां पे उन्होंने 15 दिन तक और 15 से ज्यादा दिन तक वहां पर आंदोलन करना चालू कर दिया, तो लोग बोल रहे थे हमको कि ये पागल हो गए करके, इनसे क्या होता है, ये मनुवादी लोगों के साथ क्या लड़ सकते हैं। और फिर 1 जुलाई को हमने पूरे नागपुर में क्या पूरे भारत में मैसेज फैलाया कि यहाँ पर सौंदर्यकरण के नाम पर हमारे जनता के साथ में कुछ न कुछ यहाँ पे घोटाला तो चल रहा है। साथियों, एक इंजीनियर के ध्यान में जरूर आ जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज का फाउंडेशन तैयार, जब कोई चीज का प्रोजेक्ट तैयार होता है, तो उसका फाउंडेशन उसका ढांचा वो किस तरह से बनता है, ये इसके ध्यान में आ जाएगा। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, इसलिए मेरे ध्यान में आ गया था, हम लोग सब लोगों के ध्यान में आ गया था कि नहीं, यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देख के हमने पता कर लिया। बाद में हमने चुपचाप यहाँ वहाँ के लोगों से पता करना चालू किया, तो लोगों ने बताया कि ताई बोले यहाँ पर कोई सौंदर्यकरण का नाम नहीं है, कोई सौंदर्यकरण नहीं चल रहा है, ये जगह बोले मेट्रो सिटी वालों को वहां पर पार्किंग के लिए दे दी गई, बेच दी गई है। और फिर हमने आंदोलन चालू कर दिया वहां पर, और 1 जुलाई के बाद में जो हुआ वो सारे दुनिया को मालूम हो गया। 1 जुलाई को सारा समाज वापस उस दीक्षा भूमि में वापस आया और आंदोलन हुआ। 1 जुलाई को ऐसी आवाज उठी कि मनुवादियों के घुटने टिक गए, अरे तुम अभी हमसे बच नहीं सकते, देखो अगर तुम शांत बैठे हो, तुम अपने आप को सोचते हो कि हम यहाँ पर अपना राजकारण चला रहे हैं और लोग सब शांत बैठे, ऐसा झंडू बम लगाएंगे ना तुम्हारे नीचे कि जिंदगी भर उठना है तुम उठ नहीं पाओगे। अरे तुम हमको क्या चूतिया बना रहे हो, हम बाबा साहब के बच्चे हैं और हमको किस तरह से लड़ना आता है ये भी हमको अच्छे से पता है। उसके बाद फिर वहां के कुछ कार्यकर्ता खास जैसे लोग, शायद उसमें से आप लोग भी होंगे, मुझे जिनके नाम मालूम है, धर्मेश पाटिल, प्रमोद खोबरागड़े से लेकर राकेश धारगावे, इन्होंने रात दिन और रोज वहां पर जाकर देखकर उन्होंने पहरा ही देना चालू कर दिया। आखिर वहां पर सौंदर्यकरण के नाम पे जो चालू था उनका प्रकरण वो बंद हुआ और पूरे गड्ढे अभी बुझ गए। अब हमको क्या करना है, ये आज की जो रैली निकली है, यहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता है राजेश भार्गव दादा के अंडर में जिन्होंने आज ये रैली का आयोजन किया, और हमारे नागपुर के इस हिरवी नगर के तमाम कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतना अच्छा उन्होंने आज कार्यक्रम किया। उसका उद्देश्य एक ही था कि जिन्होंने हमारे साथ, हमारे ही लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुमानी की, उनको अब स्मारक समिति से उखाड़ के फेंकना है। इनकी हिम्मत तो देखो, सौंदर्यकरण चल रहा है उसका नाम लेकर उन्होंने क्या किया, फिर बीच में वहां पे सामने बोर्ड तो लगा दिया, यहाँ पे कोई सभा नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उसके बाद में उन्होंने आरएसएस वालों को पत्रकार के लिए उन्होंने 3 घंटे, ये भी इनके ध्यान में आया, शायद आपके मोबाइल पे वीडियो वायरल हुआ होगा तो आपने देखा होगा, फिर से ये ऐसे कार्यकर्ता दौड़े वहां पर और उन्होंने उसी समय उनको वहां से भगा के दिखाया और भाग गए उन लोगों। उसके बाद में क्या हुआ बताती हूँ मैं। उसके बाद में इतना यहाँ पर भी वो स्मारक समिति वाले रुके नहीं, तो उन्होंने अभी जो गरबा चलेगा ना, ये इन लोगों की तमाशेबाजी, ये गरबा के लिए उन्होंने वहां पर जगह फिर से दी, ये हमारे ध्यान में आया और इन्हीं लोग दौड़े और ये वो गरबा का भी उन्होंने खंडन कर दिया, वहां पे गरबा रोक दिया। उसके बाद में भूमि पूजन गरबा के लिए जो जगह दी गई थी वो खुद बोले कि नहीं अभी इसके बाद से यहाँ पर कुछ गरबे का। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि अब हमको वहां पर ध्यान देना होगा। देखिए, क्रिश्चियन के हाथ में गिरिजाघर, क्रिश्चियन के हाथ में गिरिजाघर दिया है, मुस्लिम मस्जिद किसके हाथों में है, मुस्लिम के हाथों में, वो उन लोग उसके देखरेख करते हैं। क्या वे हमारे बाबा साहेब तुमको क्यों दिखते हैं, हमारे बाबा साहेब, हमारे बुद्धा की जो जगह है वही तुमको क्यों दिखती, क्यों उनको मालूम है कि बाबा साहेब ने संविधान का झंडा वहां पे जो गाड़ के रखा है ना, वो ताकत इनको इनके आए आ रही है, इसीलिए बाबा साहेब हमको क्या, अरे इतने तुम कमजोर समझते हो।